नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के अमरपुर शहर के विभिन्न सेंटरों पर मैट्रिक परीक्षा के दौरान दो छात्रा मूर्छित हो गई। महिला पर्यवेक्षक कंचन कुमारी एवं सेंटर पर उपस्थित डॉक्टर इश्तियाकुर रहमान के द्वारा दोनों छात्राओं को उपचार के लिए स्थानीय रेफर अस्पताल लेकर आए, जहाँ डॉक्टर नवल किशोर शाह एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा छात्रा सविता कुमारी व प्रियंका कुमारी का प्राथमिक उपचार किया गया। अस्पताल परिसर में सविता कुमारी के भाई ने बताया कि बांका के हतियापातर से परीक्षा देने अमरपुर स्थित आदर्श बालिका उच्च विद्यालय आई थी, जहां परीक्षा के दौरान बेहोश हो गई, जबकि प्रियंका कुमारी का सेंटर शाहपुर उच्च विद्यालय था। प्रथम पारी में बेहोशी के कारण दोनों छात्राएं परीक्षा देने से वंचित हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों छात्राओं की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। बांका जिले के अमरपुर बाजार के गोला चौक पर स्थित डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र के क्लिनिक में संध्या इलाज कराने आए मरीज का डॉक्टर की लापरवाही से स्थिति गंभीर हो गई। स्थिति गंभीर होने के बाद मरीज के साथ आए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर बवाल किया, जिस कारण क्लिनिक में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 दिग्गी पोखर निवासी सुदामा देवी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद इनके परिजन अनिल यादव गोला चौक स्थित डॉक्टर अंजनी कुमार के क्लिनिक लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उनकी जांच कर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को इंजेक्शन लगाने को कहा। शिक्षक ने कंपाउंडर का रोल अदा करते हुए वृद्धा को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही वृद्धा की हालत गंभीर हो गई। वृद्धा के मुंह से झाग निकलने लगा। स्थिति बिगड़ते देखकर डॉक्टर रफू चक्कर होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। देखते ही देखते ग्रामीण एवं शहरवासियों की भीड़ क्लिनिक के बाहर लग गई। वृद्धा के साथ आए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। हालत बेकाबू होते देख डॉक्टर ने अपने शागिर्दों के द्वारा मरीज के परिजनों को कुछ पैसे देकर मरीज को क्लिनिक के बाहर से हटाकर भागलपुर भेज दिया एवं परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि मरीज के इलाज में जो भी खर्च आएगा वह मैं दूंगा। फिलहाल मरीज को परिजन इलाज के लिए भागलपुर लेकर चले गए। बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र के कुडरो मोड़ के समीप रेलवे ट्रक पर ट्रेन से टकराकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान नया गांव के स्वर्गीय मक्को यादव के 50 वर्षीय पुत्र भागीरथ यादव के रूप में की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बौसी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक को कम सुनाई देता था। वह खेत से मवेशी के लिए घास काटकर ट्रक के सहारे वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी बीच भागलपुर से आ रही पोड़िया हाट पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। बताया जाता है कि ट्रेन के चालक के द्वारा लगातार हॉर्न बजाने के बाद भी व्यक्ति रेलवे पटरी से नहीं हट पाया, जिसके बाद वह ट्रेन से टकरा गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बौसी थाना को फोन से सूचित किया गया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजकिशोर सिंह के निर्देश पर अवर निरीक्षक बनारसी प्रसाद यादव अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए साफ इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए इनकार करने के बाद पुलिस ने सबको उनके परिजनों को सौंप दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, जबकि सबके गांव पहुंचने के बाद वहां भी ग्रामीणों की भीड़ मौजूद थी। मालूम हो कि मृत व्यक्ति को एक बेटा और 4 बेटियां हैं, जिनमें 3 बेटी की शादी हो चुकी है। 25 वर्षीय पुत्र जय कृष्ण यादव और 17 वर्षीय बेटी शिवानी के माथे से पिता का साया हट चुका है। मृतक की पत्नी मीरा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। अब उसे अपनी छोटी बेटी की शादी की चिंता सताई जा रही है। बांका जिले के अमरपुर थाना परिसर में सीओ स्वाति कृष्णा एवं थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय की अध्यक्षता में जमीन संबंधित विवाद के निपटारा को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में अमरपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से जमीन संबंधित विवाद को लेकर 5 नए आवेदन दिए गए, जिसमें कुशमाहा पंचायत से पैरू सिंह की पत्नी कैलू देवी ने जमीन बंटवारा को लेकर सीओ से फरियाद लगाया। मौके पर उपस्थित अंचल कर्मी को जमीन संबंधित विवाद को लेकर सीओ ने विपक्षी पार्टियों को नोटिस निर्गत कराने का निर्देश दिया। जनता दरबार में जमीन संबंधित पुराने 6 विवादों को ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया। जनता दरबार में दर्जनों की संख्या में फरियादी गण उपस्थित थे। बताते चले बिहार सरकार के द्वारा जमीन संबंधित विवाद के निपटारा को लेकर प्रखंड स्तर पर थाने में सीओ के द्वारा जनता दरबार लगाकर जमीन विवाद को निपटारा करने का निर्देश दिया गया है, जिसका असर क्षेत्र में बखूबी देखी जा रही है। प्रत्येक शनिवार के दिन थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार में जमीन संबंधित विवाद की निपटारा की जा रही है। बांका जिले के धौरैया चांदनी चौक पर अवस्थित हनुमान मंदिर को हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को एसडीओ मनोज कुमार चौधरी ने सीओ हंसनाथ तिवारी के साथ स्थल का जायजा लिया। राजकीय पथ 84 घोगा पंचवारा मुख्य पथ में सड़क चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण मजबूती का कार्य चल रहा है, जिसके तहत घोगा पंचवारा और धौरैया पुंछिया के मिलन स्थल को अतिक्रमण मुक्त व अवस्थित मंदिर को हटाकर बस सेक्शन का निर्माण करना है। एसडीओ के संग मौके पर मौजूद पथ निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता राजकुमार भी साथ थे। अंचल अमीन की मौजूदगी में जगह का सर्वे किया गया।
सड़कों के किनारे ही बिहार सरकार की खाली जमीन पर मंदिर का पहला निर्माण कराया जाएगा, फिर चांदनी चौक पर अवस्थित प्रतिमा को वहां से ले जाया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।